चलिए फिर काम करते हैं आगे बढ़ते हैं अब इस साल आम चुनाव है इसलिए इस साल का बजट जो है वो इंटरिम बजट होगा और बिग बजट इलेक्शन बजट के बाद आएगा लेकिन मार्केट क्या एक्सपेक्ट करे और उससे पहले मार्केट का मूड कैसा है कैसा मार्केट पोजिशन है हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के इंस्टीट्यूशनल रिसर्च हेड गौतम तुब्बड़ जुड़ गए हैं उनसे बात कर रहे थे गौतम जी गुड मॉर्निंग कैसा प्लेस है मार्केट इस समय मैं आपकी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी थी कि मिड कैप का वैल्यूशन प्रीमियम कितना तीस परसेंट फोर्टी हो गया फोर्टी परसेंट हो गया है लेकिन नहीं रहे हैं स्टॉक्स तो क्या मतलब क्या लार्ज कैप कैचअप करेंगे या मिड कैप गिरेंगे क्या होगा सो so, अनुज आप अगर फ्लोज देखें फ्लोज का डायरेक्शन पिछले साल बिफोर दैट जस्ट लुक एट सी वाई ट्वेंटी टू दो हजार बाईस में आपने टोटल इंस्टीट्यूशनल फ्लोज में अगर आप ब्रेकअप देखें तो डोमेस्टिक्स ने 32 बिलियन डॉलर ऐड किया और फॉरेनर्स ने 17 बिलियन डॉलर का सेलिंग किया था तो टोटल आपका 15 बिलियन डॉलर का मार्केट में फ्लो आया जो सी वाई में मोर देन डबल हो गया बिकॉज सी वाई में दोनों सेगमेंट से करीबन करीबन बाईस बाईस बिलियन डॉलर आया तो जो सी वाई में फिफ्टीन बिलियन डॉलर का इन्फ्लो था वो सी वाई में चवालीस बिलियन डॉलर का इन्फ्लो हो गया छः महीना पहले जब हम बात कर रहे थे निफ्टी मिड कैप हंड्रेड इंडेक्स जो है वो लगभग लगभग 20 परसेंट प्रीमियम पे था वर्सेस निफ्टी तब भी आप अगर फंडामेंटली देखते तो वैल्यूशन काफ़ी महंगे नज़र आते हैं वहाँ से आज हम जनवरी में हैं छः महीना हो गया है वो बीस परसेंट का प्रीमियम चालीस हो गया है बिकॉज इंडेक्स ने वहाँ से भी रैली किया है सो so आज निफ्टी पी अगर आप देखने जाए तो साढ़े उन्नीस से बीस के बीच में है बिकॉज़ हमारा जो ईपीएस है नाइन सेवेंटी एट है एफ़ वाई ट्वेंटी फोर का और एलेवन फोर्टी है एफ वाई ट्वेंटी फाइव का और निफ्टी करीबन इक्कीस हजार चार सौ पे है तो साढ़े उन्नीस बीस का रेंज है निफ्टी का जो कि इन लाइन विथ टेन ईयर एवरेज है hmm. लेकिन निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का जो पी है वो अट्ठाइस है जो कि अपने खुद के एवरेज से भी बड़ा प्रीमियम पे है और वर्सेस निफ्टी भी बड़ा एवरेज पे है मिड कैप छोड़िए आप स्मॉल कैप इंडेक्स भी अगर देखते हैं जिसका टेन ईयर एवरेज वर्सेस निफ्टी 24-25 परसेंट डिस्काउंट होता है वहाँ दस परसेंट प्रीमियम पे चल रहा है स्मॉल कैप स्मॉल कैप एन स्मॉल कैप हंड्रेड सो सी इसमें फंडामेंटल डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है आपका अर्निंग्स ग्रोथ भी आया है बट फिर भी वैल्युएशंस का बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस रहा है मिड कैप स्टॉक्स के रिटर्न में क्योंकि कई कई स्टॉक्स पाँच पाँच छः छः गुना भी बढ़े हुए हैं पिछले एक डेढ़ साल में उनके अर्निंग्स पाँच गुना नहीं बढ़े हैं कुछ कुछ स्टॉक्स ऑब्वियसली बढ़ने के बावजूद वैल्यूएशन उनके ठीक है क्योंकि है। वहाँ पे आपका अर्निंग्स भी फॉलो थ्रू किया है बट लार्ज पार्ट ऑफ मिड इन स्मॉल कैप रिटर्न इसमें काफी सारा योगदान आपके वैल्यूएशन रीरेटिंग का भी रहा है पीछे जाएंगे तो 2017 भी ऐसा साल था जो 2023 के वैसा ही रहा था बहुत बड़ा रैली हुआ था मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स में प्राइमरी मार्केट में भी बहुत आ, अच्छा ही हमें देखने मिला था मिसिंग इन सीवाई ट्वेंटी सेवन टू थाउजेंड सेवेंटीन वॉज देर इज नो अर्निंग्स ग्रोथ जो कि इस बार अर्निंग्स ग्रोथ है और 2017 के अगर आप दिसंबर के सारे एनुअल आउटलुक रिपोर्ट देखिए 2018 के तो आपको लगेगा कि कुछ कहीं पे कोई रिस्क नहीं दिख रहा था उस समय लेकिन मार्च 2018 में आईएलएफएस क्राइसिस हुआ और उसके बाद काफी सारा करेक्शन आया आज ये बता पाना बहुत डिफिकल्ट रहेगा कि मार्केट करेक्ट करेगा या यही रफ्तार से आगे बढ़ेगा बिकॉज दो बहुत अलग साल है ये पूरा इवेंट लेड ईयर है और एक सबसे बड़ा इवेंट अगले 90 120 दिनों में आएगा इलेक्शंस hmm. प्लस आप देख रहे हैं कि दुनिया के मार्केट्स में रिलेटिव uh, बेसिस पे इंडिया का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ चुका है बिकॉज आज हम साढ़े चार लगभग साढ़े चार ट्रिलियन के आसपास मार्केट कैप हो चुका है 3.6 3.7 ट्रिलियन का जीडीपी हो चुका है फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट कैप हो चुके हैं तो एक जो इंपॉर्टेंस होता है रीजनल स्कीम ऑफ थिंग्स में उसमें इंडिया काफ़ी ऊपर आ चुका है और साथ ही अगर आप फ्लोस की बात करें अभी हम सीवाई ट्वेंटी फोर का फ्लोज देखते हैं अभी आप डोमेस्टिक फ्लोज देखें तो लगभग तीन बिलियन डॉलर पर मंथ के हिसाब से रेट चल रहा है इफ यू एड अप ऑल कॉम्पोन एनपीएस ई पी एफ ओ इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा कंजर्वेटिव बेसिस पे अगर हम एफ आई फ्लोज को ना ज़्यादा बढ़ाते हैं ना कम करते मान लीजिए सेम पिछले साल के बराबर बीस इक्कीस बिलियन डॉलर ही रहता है तो आप पचपन से साठ बिलियन डॉलर के आसपास का फ्लोज देख रहे हैं आज इंडिया में

अब एक काम करते हैं इतने आपने वैसे ये साल आपके लिए बहुत शानदार रहा है जो जो स्टॉक आपने बोला कि टॉप पिक वो ज़बरदस्त भागा एक दो तीन स्टॉक्स पर मेरी एक नज़र गई थी एक जैसे मैं शुरुआत करूं शोभा से शोभा में आपने बोला था हमारी चर्चा हुई थी क्योंकि रियल एस्टेट पर आपने कहा था कि ये तो अभी स्टार्ट द साइकिल है तो शोभा इन पर्टिकुलर आपने क्यों चुना यहाँ पर और अभी भी रियल एस्टेट पर व्यू पॉजिटिव है सो रियल स्टेट एक मैक्रो सेक्टर है hmm. इसमें हमेशा टॉप डाउन व्यू बहुत जरूरी होता है पहले सो so, हमारा टॉप डाउन व्यू ये था कि ये सेक्टर 10-11 साल से अंडर यू नो परफॉर्म किया है डाउन साइकिल में था और उन 10 सालों में कंज्यूमर अफोर्डेबिलिटी बढ़ा है क्योंकि आपके प्रॉपर्टी के दाम नहीं बढ़े थे बट कंज्यूमर डिस्पोजेबल इनकम सात छः सात परसेंट पर एन कंपाउंड हुआ था तो रिलेटिव अफोर्डेबिलिटी बढ़ गया था दूसरा पोस्ट कोविड एक एफिनिटी बढ़ गया था कि बड़ा घर होना चाहिए या खुद का घर होना चाहिए सो so, काफ़ी सारे फैक्टर्स एक साथ आए आप अगर याद करें तो हमने चार पांच सेक्टर्स की बात की थी इस थीम पे होटल रियल एस्टेट ऑटो कैपिटल गुड्स एंड हॉस्पिटल ये पाँचों डोमेस्टिक सिक्लिकल्स एक साथ चले हैं और कई सालों बाद चले हैं अब रियल इस्टेट की अगर आप बात करें आज हालांकि स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत अच्छा कर चुके हैं पिछले डेढ़ दो सालों में बट डेटा अभी भी बहुत स्ट्रांग आ रहा है आप एवरी फिफ्टीन ट्वेंटी डेज आप देखते हैं कि कोई बड़ा डेवलपर uh, का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है और उसका प्रीमियम सेल्स uh, जो भी होते हैं बहुत जल्दी बिक जाते हैं अभी आपने डीएलएफ का न्यूज देखा था महीना भर पहले तो मुझे लगता है कि साइकिल काफी लंबा चल सकता है ये हालांकि रिटर्न्स बहुत जल्दी आ गए कई बार डीप सिक्विकल सेक्टर्स में रिटर्न्स फ्रंट एंडेड होते हैं अभी शोभा हाँ। का बात करें तो इस पर हमारा बहुत सिंपल नजरिया था कि ये स्टॉक में अभी भी 25 से 30 परसेंट का रिलेटिव डिस्काउंट है प्लस जो प्री सेल्स छः सात साल फ्लैट हो चुके थे वहां पे हमें ग्रोथ दिख रहा है ओके okay, तो ये बात हो रही है शोभा की बात हो रही थी वैसे अभी शोभा सो, दिखा देते हैं इस समय आ, दो पी पर आपने बहुत पॉजिटिव व्यू रखा आप गेल और कोल इंडिया और गेल में तो आप कह रहे हैं कि री रेटिंग ऑन द कार्ड्स ये क्या कारण है सो हमारा पी पिछले दो सालों से हमने मॉडल पोर्टफोलियो में काफ़ी वेट बढ़ाया था हमने सीवाई ट्वेंटी थ्री में ओ एन जी सी एड किया था एक सौ पंद्रह रुपये पर हालांकि हमने जल्दी निकाल दिया अब आज का भाव देख के ऐसा लगता है कि के पीछे दो रीजन थे एक तो पावर सेक्टर में जो एक उछाल दिख रहा है और काफी लंबा ड्यूरेशन तक हमें लगता है पावर डिमांड अच्छा रह सकता है तो पावर से एक एंगल है कोल का दूसरा कोल का खुद का जो फंडामेंटल थोड़ा इंप्रूव हुआ है और थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इतना चलने के बावजूद भी स्टॉक आज भी पांच टाइम ईवीबेटा पे है और यहाँ पे भी छह परसेंट के आसपास लगभग डिविडेंड डिविडेंड गेल पे भी आप देखें आज दस पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है चलने के बावजूद साथ में ट्रांसमिशन जो उनका वॉल्यूम्स है उस पर सात आठ परसेंट सी का एक्सपेक्टेशन है प्लस पेट्रोकेम में टर्न अराउंड होने की उम्मीद है हमारा खुद का जो एस्टिमेट है तीस परसेंट एबेटा सी का है आर ओ नौ से तेरह परसेंट तक जाने की उम्मीद है और फ्री कैश फ्लो भी इम्प्रूव होगा तो वो नज़रिए से हमने वैल्यूएशन प्लस सम इम्प्रूवमेंट इन फंडामेंटल का ब्लेंड बनाए तो वो एंगल से हमने गेल को ऐड किया और पूरा एनर्जी सेक्टर का जो हमारा अंडरवेट स्टांस था उसको हमने न्यूट्रल किया है okay, ओके बिल्कुल आ, एक बहुत इंटरेस्टिंग पिक है आपकी लेमेंट्री होटल्स और होटल्स में खैर काफ़ी पॉजिटिव व्यू रहा है वैसे आ, लेकिन ये सेक्टर जो है अब क्योंकि ऑब्वियसली अयोध्या का की बात हुई तो टूरिज़्म की बात हो रही थी फिर लक्षद्वीप की भी बात हो रही थी लेकिन आ, क्या ये सेक्टर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चलने चुका है या इन लेवल्स पर भी आपको लग रहा है कि ये मैक्रो री कंटिन्यू करेगी यहाँ पर मुझे लगता है होटल सेक्टर के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है अगेन आप 10 साल पीछे जाइए 2008 और 2019 का इंडियन होटल्स का एबिट्टा लगभग सेम था रूम भी रूम रेट भी ऑलमोस्ट सेम ही रहे रहे हाँ. ग्यारह साल आपका एबिट्टा कहीं नहीं हाँ, गया एवरेज हाँ।, हाँ. मार्जिन ऑफ दैट टेन ईयर और फिफ्टीन पोस्ट कोविड होटल सेक्टर में एक हमें Uh, उछाल देखने मिला बिकॉज ट्रैवल इम्प्रूव हुआ लेजर बिजनेस कई सारे इवेंट्स हुए जी ट्वेंटी वर्ल्ड कप एक्सेट्रा एक्सट एंड एज़ यू सेड रिलीजियस टूरिज़्म भी बहुत uh, उफान पकड़ा हुआ है अब वाराणसी के अगर टूरिस्ट अराइवल्स के आंकड़े देखे दो और तेईस के तो दो साल मिला के पंद्रह करोड़ टूरिस्ट वहाँ पर विजिट कर चुके हैं अभी आपने अयोध्या की बात की उसकी हम पिछले तीन दिन से देख रहे हैं पर डे चार पाँच लाख विजिटर्स ऐड हो रहे हैं और कई सारे ब्रांड्स ने वहाँ पे होटल का ऐलान कर दिया है जहाँ तक मैं देखता हूँ सेक्टर को डिमांड सी अभी भी सप्लाई सी से बहुत स्ट्रांग है जो पंद्रह परसेंट का एबिट्टा इंडियन होटल्स बनाता था उन्होंने 2023 में 35 परसेंट एबिट्टा बनाया है और अगले दो साल के लिए 30 से 33 परसेंट का एबिट्टा मार्जिन का गाइडेंस दिया है अगेन अ सेक्टर 12 साल कुछ नहीं किया है अभी दो साल ठीक किया है तो नेचुरल टेंडेंसी है कि बहुत पैसा बन गया है, निकल जाते हैं हमने भी यही गलती की थी हमने एक सौ पे इंडियन होटल ऐड करके टू पे हमने मॉडल पोर्टफोलियो से निकाल दिए थे पर हमने वापस उसको थ्री पे टेन ऐड किया था पिछले साल और अभी तक हमने बनाए रखा है साथ ही हमने लेमेंट्री भी अपने पोर्टफोलियो में रखा है पहली बार हो रहा है कि डेढ़ साल से हमारे पोर्टफोलियो में होटल सेक्टर जिसका बेंचमार्क में जीरो वेट है, है। दोनों स्टॉक्स हमने आ, आ, तीन परसेंट के वेट के हिसाब से मॉडल पोर्टफोलियो में बनाए रखे और अभी भी हमको यहाँ पे काफ़ी इंप्रूवमेंट आगे होता हुआ दिखता है सेक्टर में सीमेंट में आप काफ़ी बुलिश रहे हैं मुझे पता है एज ए हाउस काफ़ी बुलिश रहे हैं इवन रामदेव सर भी जब लास्ट टाइम आए थे तो उनका व्यू पॉजिटिव था खासतौर से अल्ट्राटेक जैसे नेम्स पर यहाँ पर आप तो कहाँ पर दाम लगा रहे हैं सो so सीमेंट में देखिए अनुज अगेन थोड़ा सा टॉप डाउन देखेंगे आप तो गवर्नमेंट का फोकस कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा रहा है पिछले आठ दस सालों में आपने पिछले चार सालों में ही कैपेक्स का बजट चार गुना होता हुआ दिखा है ढाई लाख करोड़ से दस लाख करोड़ अभी चार दिन बाद फिर से नए साल के एक इंटरिम आंकड़े पेश होंगे मुझे लगता है पूरा इंडस्ट्रियल्स जो बकेट है कैपिटल गुड सीमेंट आप उसमें कंस्ट्रक्शन रियल इस्टेट ये भी डाल सकते हैं इसमें आगे बहुत मुझे लगता है आसार है अभी भी सीमेंट स्पेसिफिकली हमने जो चेंज किया है हमारे पोर्टफोलियो में मॉडल पोर्टफोलियो में अल्ट्राटेक होता था उसको हमने दालमिया से रिप्लेस किया है रिलेटिव वैल्यूएशन आर्बिट्राज के एंगल से बट अगर आप रोड रेलवे मेट्रो ओवरऑल mm -hmm. जो mm -hmm. so, no तो, uh, सात ऐसे क्वार्टर लगातार थे जहां पर सीमेंट सेक्टर में अर्निंग्स डिक्लाइन था बिकॉज ऑफ हायर इनपुट कॉस्ट टू क्यू एफ आई ट्वेंटी फोर पहला ऐसा क्वार्टर था जहां सात क्वार्टर के बाद अर्निंग्स ग्रोथ देखने मिला हंड्रेड परसेंट प्लस ये क्वार्टर हमारा एक्सपेक्टेशन फिर से 98 परसेंट अर्निंग ग्रोथ का है okay. और अगला क्वार्टर भी 50 परसेंट का है तो आपका फंडामेंटल्स शॉर्ट टर्म में भी ठीक है और लॉन्ग टर्म में गिवन द कैपेक्स फोकस मुझे लगता है सीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर बना रहेगा ओके सीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर बना रहेगा एक और आपकी जो टॉपिक रही है उसने इस बार निराश किया वो मेट्रो ब्रांड्स या आपकी बात हुई होगी शायद मैनेजमेंट से उसके बाद आपने शायद कॉन कॉल वगैरह भी अटेंड करी होगी आप सेटिस्फाइड हैं उससे अभी भी व्यू बुलिश ही रहेगा या फिर थोड़ा सा थीजेस हिला उस नंबर के बाद नहीं अनुज आप देखिए कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन एक बहुत बड़ा समंदर है ओशियन है इसमें बहुत सेगमेंट्स है ज्वेलरी है लाइफ है एपरल है फुटवेयर एक नया सेक्टर बन के उभर के आया है क्यू है सो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में हमारा राय अभी भी बहुत बुलिश है हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल्स के बाद और राधा नाउ तो फाइनेंशियल और कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी का ओवरवेट सेम है इनफैक्ट आउट ऑफ एट कंजम्पशन स्टॉक्स जो हम मॉडल पोर्टफोलियो में रखे हैं उसमें से सात कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और केवल एक कंज्यूमर स्टेपल है जहां तक मेट्रो की बात है ये क्वार्टर सॉफ्ट था पिछला क्वार्टर भी सॉफ्ट था हो सकता है ये साल आपको फुल ईयर एफ आई ट्वेंटी फोर में अर्निंग्स डिक्लाइन दिखे बट इस इसपे मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्टोरी हमें बहुत स्ट्रांग लगता है बिकॉज इट इन माई व्यू वन ऑफ द बेस्ट ब्रांडेड क्वालिटी फुटवेयर प्लेयर इन कंट्री ग्रोइंग भी है और साथ ही साथ इंटरनली फंडेड है hmm. तो इसके जो balance sheet, cash flow numbers है, वो काफी strong है। बीच-बीच में -बीच में आपको आपको ऐसा दौर जरूर मिलेगा जहां पे में आपको decline दिखेगा या टॉपलाइन ग्रोथ कम दिखेगा इसमें सबसे बड़ा एक जो हेडविंड वो ही है कि वैल्यूएशन काफी महंगे हैं अभी भी. हाँ, हाँ. तो इसमें शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको निराशा मिले बट अगर आपका व्यू थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है

हमें लगता है कि यहाँ से स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट अलग अलग बिजनेसेस से भी आएगा और कुछ यू नो अगर आप कुछ एक क्वार्टर्स का वेट करते हैं तो शायद आपको नंबर्स में भी बड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा बिकॉज आपका फूड डिलीवरी प्लस क्विक कॉमर्स जो बिजनेस है दोनों में इम्प्रूवमेंट है हालांकि स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न ऑलरेडी दे चुके हैं जहाँ से हमने इनिशिएट किया है सो so हो सकता है कि परसेंटेज रिटर्न अब वो मैग्नीट्यूड के ना हो बट जैसे जैसे नंबर्स इंप्रूव होंगे आपको इसमें एक स्टडी रिटर्न बनने के आसार दिखते जाएंगे और right. गौतम बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए